हो गया, चलो ठीक है देखो। अरे बीवी का बाप और बीवी के पिताजी और मेरे ससुर जी का अंतर है? चलो सुनो, सो पोजीशन टाइम ग्राफ का इंट्रोडक्शन हमने बता दिया आपको, यानी ग्राफ का इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपको पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से। अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे डिटेल से। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ आपको बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान सुनना। मैं ग्राफ का करूंगा, पहला ग्राफ बनाता हूँ, पहला ग्राफ। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये आपका पोजीशन, क्या करेंगे, पोजीशन को रखेंगे वाई एक्सिस पे, जो जनरली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं वो रहती हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं वो वाई एक्सिस पे, यानी वर्टिकल एक्सिस पे। तो टाइम को हम लोग यहाँ रखते हैं हमेशा, ठीक है। ब्लू कलर से मैं ग्राफ बनाऊंगा, कौन कलर से ग्राफ बनाऊंगा, हाँ ब्लू। ये तो एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है जी। सब बच्चे ध्यान देंगे कृपया करके, ग्राफ कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है जी, ध्यान देंगे आप लोग अच्छा से। जो इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया भाई ग्राफ बने बनाया, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या क्या समझ आ रहा है, पहली बात, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, सॉरी टाइम तो चेंज होना ही है, टाइम के साथ भाट का हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, और चूंकि हाइट बढ़ रही है तो पोजिशन भी क्या हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी टाइम के साथ पोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, पार्टिकल इज इन, पहला इन्फॉर्मेशन देखो, पार्टिकल इज इन मोशन, पहली बात। सर फिर से लिख रहे हैं, एक जगह अच्छा से लिखना आप, इज इन मोशन, पहली बात। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये मिला कि चूंकि टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, ग्राफ को देख के पता चल रहा है, तो यानी पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। चलिए दूसरा, दूसरा पॉइंट, ओके सुनना, कोई बात नहीं करेगा कोई, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलो, क्या चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, किस टाइम पर, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे एक T1 टाइम ले लेता हूँ, और T1 टाइम के अक्रॉस यहाँ पर देखो, पहले ग्राफ बनाते हैं तब वैल्यू दिखाते हैं, पहले क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं तब वैल्यू दिखाते हैं। T1 टाइम को होगा, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड को भी होगा, ओके। यहाँ पर उसकी पोजिशन मान लो क्या है, X1 है, फिर मैंने यहाँ बनाया, कृपया ध्यान देंगे आप लोग, T2 टाइम, क्या चीज, यहाँ पर उसकी पोजिशन मैंने X2 है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो T1 T2 के बीच में आपको अगर बोला जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालो या वेलोसिटी निकालो, क्या करोगे आप, ओके इस दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद क्या बना दोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दोगे, ये मान लो थीटा है, ओके थीटा मैंने बोल दिया, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड बोलते हैं इस कर्व का, इस कर्व का क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो जो कॉर्ड का स्लोप होगा, स्लोप निकालोगे, स्लोप होगा ना, स्लोप क्या होगा, मान लो कि ये आपका डेल्टा टी है और ये आपका डेल्टा एक्स है, ये ना दिख रहा है, डेल्टा टी का होता है टी टू माइनस टी वन, डेल्टा एक्स का होता है एक्स वन, स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी क्या है, कॉर्ड है, दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, कर्व के दो पॉइंट को जॉइन कर दो, ए बी कॉर्ड जो है ए बी, स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप सर होगा टेन थीटा, स्लोप किसे बोलते हैं, टेन के वैल्यू को ही स्लोप कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, जब भी डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं तो आपको याद होगा, याद करो, एवरेज वेलोसिटी, क्या चीज, एवरेज, अरे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। इससे पता चल गया सर कि जो एक्सटी ग्राफ का, जो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है, क्या देता है, हाँ दो टाइम इंटरवल के बीच में बनाओगे यानी कॉर्ड का स्लोप निकालोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। और यहाँ पे ध्यान सुना, मैं इसी ग्राफ का एक और, मैंने इसमें गैदरिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसमें गैदरिंग नहीं करना चाहता हूँ, एक और ग्राफ बनाता हूँ, मैंने इसी ग्राफ को मैं दूसरी जगह दिखा रहा हूँ, यही ग्राफ है, सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया, लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ध्यान दो ऐसे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट, ये टी टाइम है, कोई टी टाइम है मान लो, और ये पोजीशन जो है उसका, मान लो कि ये पोजीशन जो है यक्स है, कुछ भी है मैटर नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये मान लो कि इसके अगला पॉइंट जो है बहुत करीब पॉइंट है, बहुत करीब है, जो कि टी प्लस डी टी टाइम है, कौन टाइम है, ये जो पोजीशन है एक्स प्लस डी एक्स है, माने ये दोनों पॉइंट आपस में काफी करीब है। जब इनका आप बनाओगे क्या चीज, क्या बनाओगे, ट्राइंगल बनाओगे, ओके इनको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने पर कैसा दिख रहा है, देखो बिल्कुल दिख रहा है कि एक पॉइंट को टच कर रहा है, ये दोनों पॉइंट इतना करीब है ना कि दो पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट पर जाकर के मर्ज हो रही है दो पॉइंट, बट ये दो पॉइंट इतना करीब है कि दो पॉइंट को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड नहीं है ये, बल्कि टेंजेंट है, क्या है, जब भी कोई कर्व पे आप एक पॉइंट पे ऐसे खींचते हो, एक पॉइंट पे खींचते हो कोई भी कर्व के ऊपर ऐसे करके ऐसे टच करता हुआ, इसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं,
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम केवल एक टाइम पर हम लोग इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एक टाइम पर जब भी वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इसका स्लोप निकालो, ये एंगल मान लो कि अल्फा है, मैंने इस एंगल को क्या बोल दिया अल्फा, दिख रहा है क्या बाबू अल्फा है, तो टेन अल्फा निकालो। तो यहाँ पर देखो मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना, तो बताओ टेन अल्फा क्या होगा, पहले लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट क्या होगा टेन अल्फा, टेन अल्फा का वैल्यू कैसे लिखो कोई बता सकता क्या, बताओ यहाँ से आता है टाइम इंटरवल कितना अंतर है, अंतर बताओ, टी टी कैंसिल डी टी, ये कितना है डी टी, और ये कितना है डी एक्स, तो बताओ टेन अल्फा का वैल्यू बताओ डी एक्स बाय डी टी। अब डी एक्स बाय डी टी आपको पता है क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, यहाँ लिखता हूँ डी एक्स बाय डी टी, और ये होता है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, याद रखें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैट वेलोसिटी, ठीक है। इससे पता ये चल गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, क्या ड्रॉ कर दोगे किसी पॉइंट पर, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। देखो v इक्वल टू dx / dt पढ़े ना पढ़े थे, पढ़े थे ना पढ़े थे, हां अरे v इक्वल टू dx / dt पढ़े ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ओके इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा x / डेल्टा t। तो दो टाइम के बीच में अगर स्वरूप निकालते हो, टेन की वैल्यू निकालते हो तो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा, और एक टाइम पर निकालते हो पर्टिकुलर टाइम पर तो आपको इंस्टेंटेनियस दे देगा, यानी टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इससे पता चल गया सर, पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं कि द स्लोप ऑफ, बोलो द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, कौन ग्राफ बाबू, एक्स टी ग्राफ बोले या एक्स टी कर्व बोलते, कर्व भी बोल सकता है, एक्स टी कर्व विल गिव द वेलोसिटी, बात खत्म। हो सकता है कि वो एवरेज वेलोसिटी हो सकता है कि वो दो पॉइंट के बीच में हो तो एवरेज वेलोसिटी, एक पॉइंट पर हो तो स्टैंडर्ड वेलोसिटी, ये तो गारंटी है कि स्लोप कभी भी निकालोगे तो आपको क्या देगा, ठीक है। अच्छा बताओ स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी, यही समझना। अब ध्यान से सुनना, अब तुमसे मैं पूछूंगा, इस ग्राफ में गंदा मैंने कर दिया है, ग्राफ को पहले ग्राफ बना लेना ब्लू वाला, फिर सब डेटा को दिखाना, तब ग्राफ अच्छा से बनेगा, तब तुम लोग गलती करोगे। अब मैं ग्राफ को फिर से, इसी ग्राफ को मैं फिर से बनाऊंगा ताकि मुझे बार बार बनाने में कि तुमको ज्यादा गैदरिंग एक ही में नहीं करना मुझे, ध्यान दो। तुम बताओ क्या बोलना था यार, भूल भी गया मैं, हाँ मैं तुमसे पूछूंगा, ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, सुनो सुनो गौर से, ठीक है जी। ये मेरे पास कोई ग्राफ है बताओ, यही से लेता हूं ना, यही से लेता हूं। इस बार ग्राफ मैंने बनाया लाल कलर से, किससे बनाया बाबू, लाल कलर से बनाया, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखो ना आप लोग, ध्यान से देखेंगे तो ये टी है, ये एक्स है। अब बताओ मैंने क्या बोला, एक्स टी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, क्या देगा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। अब बताओ मैं तुमसे पूछूंगा, ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ बताओ, स्टार्ट कहां से हुआ, मैं बोलूं बॉडी का मोशन स्टार्ट कहां हुआ है, पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट किया बताओ, जल्दी बताओ, पार्टिकल का मोशन, मोशन कहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से, एक्स इक्वल टू जीरो पर, मैंने टी इक्वल टू जीरो पर उसकी पोजीशन क्या थी, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, क्या वो रेस्ट में था कि रेस्ट में नहीं था, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, रेस्ट में था कि रेस्ट में नहीं था, रेस्ट में है, पार्टिकल जो t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन 0 है ना, पोजीशन 0 है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि पार्टिकल रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा, पोजीशन से पता नहीं चलता है पार्टिकल का मोशन या रेस्ट, हां पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में तो है, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड उसका 0 है कि नहीं है, t इक्वल टू 0 पर उसकी स्पीड क्या है, वो रेस्ट में है कि मोशन में, t इक्वल टू t पर वो रेस्ट में है कि मोशन में है, कैसे पता चलेगा, स्पीड से, कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी 0 है तो रेस्ट में होगा, क्या चीज में, अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो पार्टिकल मोशन में है। अब तुम बताओ मुझे पता करना है कि पार्टिकल का जब x इक्वल टू 0 था उस टाइम में पार्टिकल रेस्ट में था कि मोशन में था, क्या करोगे, पोजिशन टाइम ग्राफ में हमको क्या करना पड़ेगा, जिस भी टाइम पर हमको वेलोसिटी चाहिए, मैंने क्या बोला वेलोसिटी कैसे मिलेगा, स्लोप खींच करके, टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, टेंजेंट का स्लोप अगर 0 आया तो कहोगे कि वेलोसिटी 0 है, अगर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आया तो बोलोगे वेलोसिटी नेगेटिव है, टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव आया, स्लोप के बारे में पता है कि नहीं पता है, अब बताओ तुम लोग बताओ, ये एक्स एक्स वाई एक्स, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, बताओ ये स्लोप पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ स्लोप किसको बोलते हैं, टेन के वैल्यू को ना, ए बच्चा स्लोप किसको बोलते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पॉजिटिव बना रहा है कि नेगेटिव बना रहा है, एंगल 90 से कम बना रहा है कि ज्यादा बना रहा है, 10 की वैल्यू 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, तो 90 से कम एंगल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, 90 से बड़े एंगल के लिए क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, तो लाइन ऐसे स्लोप क्या है, पॉजिटिव,
अच्छा लाइन ऐसे हो जाता क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 से बड़ा एंगल बना रहा है तो नेगेटिव स्लोप। अब बताओ अब स्लोप बताओ अब बताओ अब स्लोप इन लाइन का स्लोप बताओ स्लोप बताओ जीरो क्योंकि जीरो एंगल बन रहा है। एंगल किसके साथ लेते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर ऐसी कोई लाइन है तो उसका स्लोप जीरो। अगर ऐसे ऐसे लाइन है तो लाइन स्लोप पॉजिटिव और ऐसे लाइन है तो ऐसे है तो अनडिफाइंड। याद है ना इन्फिनिटी बोल दो इस केस में इन्फिनिटी बहुत स्लोप है। पढ़े स्लोप सारा स्लोप का कंसेप्ट क्या हुआ। इसलिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। 11th में बच्चों को फिजिक्स नहीं समझ में आता है रीजन यही है। मैंने क्या है कि जैसे केमिस्ट्री में तो क्या है तुम एक चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर में जाओगे तो उस चैप्टर थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है तुमको हो सकता है तो उसमें तुमको उसकी यूज जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ो तुम पढ़े और तुम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया कोई बच्चा मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया तो उसको भी तब भी समझ में आएगा। फिजिक्स में तुम काइनेमेटिक्स 1D पढ़ रहे हो ओके और 2D तुम 1D नहीं पढ़े 2D में चलेगा आगे चलेगा न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन और पहले नहीं पढ़े। यानी मैथमेटिकल टूल्स पूरा को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा तब जाके पूरा फिजिक्स समझाएगा ना तो नहीं समझाएगा। एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स समझने के लिए। या तो इसलिए ना अक्सर बच्चे तुम कहते हो सुनोगे या तो फिजिक्स कहता है कि लूल है या तो अच्छा है या तो लूल है या तो अच्छा बेसिक ही है। न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है बच्चों को बेसिक सही नहीं है ठीक है। आज जो बच्चा इसमें एब्सेंट कर रहा है उसको तो थप्पा लगा के बोलेंगे थप्पा लगा के थप्पा समझती हो बता किधर है थप्पा बता किधर है थप्पा कि तू साइंस के स्टूडेंट है आर्ट्स के स्टूडेंट है कॉमर्स के स्टूडेंट है बता। तो उसका लूल है जिंदगी में वो साइंस के लायक नहीं बचा वो पढ़ ही नहीं पाएगा वो साइंस से मजाक कर रहा है ठीक है। जब तक मेहनत नहीं कर रहा डेली नहीं आएगा। एक दिन भी क्लास एब्सेंट हुआ है उनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे पता है किसी से समझ नहीं आ रहा है किसी से समझ में आ रहा है ठीक है। इसलिए कंटिन्यू क्लास रहना बहुत जरूरी है ठीक है ध्यान दो। तो ग्राफ समझ में आया स्लोप पॉजिटिव स्लोप स्लोप हमेशा एंगल किसके साथ दिखते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। स्लोप हमेशा लाइन का होता है किसका होता है। इसलिए मैं बोला कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स अच्छा से पढ़ना काहे बोला काहे बोला हाँ काहे बोला इसी दिन के लिए। चलो अब बताओ अब बताओ मुझे बताना है कि यहाँ पर स्पीड कितनी है इस पॉइंट पर बताओ स्पीड कितना है जल्दी बताओ इस पॉइंट पर जब t इक्वल टू जीरो था तो स्पीड बताओ इस वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी एट t इक्वल टू तो इसको कौन वेलोसिटी कहते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो का बोलते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी है ना जी। t इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी उसको बोलोगे पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट ड्रॉ करके जो स्लोप आएगा वही से बता कर लेंगे। स्लोप अगर जीरो तो वेलोसिटी जीरो तब बताओ ग्राफ कहाँ पड़ी लाल लाल ग्राफ है लाल वाला ग्राफ है इस बार टेंजेंट रोको इस पर टेंजेंट रोको कैसे करोगे इस पॉइंट पर टेंजेंट रोको ग्राफ ऐसा ऐसा ग्राफ है टेंजेंट रोको तो कैसा टेंजेंट बनेगा अरे बोलो रे इस पर टेंजेंट रोको तो कैसे बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल बनेगा और हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है यानी इस पॉइंट पर स्लोप कितना है वेलोसिटी कितना होगा क्योंकि पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करो टेंजेंट का स्लोप निकालो और उसे वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी कि t इक्वल टू जीरो पर इन्हें देख के बताना है इन्हें सर x का वैल्यू जीरो इसलिए रेस्ट में दो थप्पड़ मारेंगे गाल लाल कर देंगे रेस्ट में है कि मोशन में वो इस वेलोसिटी तय करेगा वेलोसिटी जीरो यानी रेस्ट में वेलोसिटी जीरो नहीं है यानी कि वो रेस्ट में नहीं है मोशन में क्या समझ आया। चूंकि इस पॉइंट पर पार्टिकल का ओके स्लोप टेंजेंट का स्लोप कर्व के इस पॉइंट पर जब t इक्वल टू जीरो है तो यहां पर उसका टेंजेंट का स्लोप जीरो है इसलिए वेलोसिटी जीरो है। ग्राफ देख के नहीं पता चला कि पार्टिकल रुका हुआ है कि चल रहा है ग्राफ को पढ़ना है पढ़ करके उसका उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो निकाल रहे हैं हम लोग ठीक है। तो बताओ यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा टेंजेंट यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर स्लोप क्या है जीरो स्लोप जीरो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी जीरो इसका मतलब पार्टिकल कुछ में यानी पार्टिकल इज एट रेस्ट इज एट कुछ समझ में आया पार्टिकल इज एट रेस्ट लग रहा है कितना बच्चा को समझ में आ गया कितना बच्चा को समझ नहीं आया कितना बच्चा को समझ आया हाथ रहा समझ आ गया कुछ समझा मैंने क्या बोला। अच्छा मैं बोलूं बताओ यहां पर यहां पर यहां पर यहां बताओ यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जीरो है बताओ क्या करोगे पहले क्या करोगे जिस पॉइंट पर पूछेंगे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें टेंजेंट ड्रॉ करो कर दिया टेंजेंट ड्रॉ। अब बताओ ये लाइन का एंगल 90 से कम है 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब मैं तुमसे पूछूंगा बताओ यहाँ पर पूछूंगा ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है अब तुम लोग खुश बताना ए पॉइंट है ये पॉइंट है यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे चोट लग गया चलो ठीक को बात नहीं जाओ
क्या से क्या हो गया, चलो कोई नहीं है, मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने इस पर टेंजेंट कर दिया। चलो एक एक ए और एक बी है, बताओ पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है कि पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है, स्पीड बताओ ए पर ज्यादा कि बी पर ज्यादा, कैसे जानो, स्लोप एंगल ज्यादा, स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, जानते हो 0 90 के जो 10 की वैल्यू बढ़े, एंगल बढ़ने से 10 की वैल्यू बढ़ती है, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, 10 45 का 1 होता है, √3 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है, √3 बढ़ा है। अब बताओ ये एंगल तो दिख, ये एंगल कम है कि एंगल कम है, चलो बताओ ये एंगल कम है, ये एंगल कम है, ये एंगल, अरे सोचो ना रे, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, अब ये 30 डिग्री और उठ रहा है तो 60 डिग्री और उठ रहा तो 70 डिग्री और उठ रहा तो 75 डिग्री और उठ रहा तो 80 डिग्री और उठ रहा तो 85 डिग्री, अब 90। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा स्लोप बढ़ता जाएगा। तो बताओ ए पर तो स्लोप ऐसे था, तो टेंजेंट बनाओ, ए पर टेंजेंट ऐसे है, जैसे बी पे गया था उठा उठाना पड़ा, एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ा, स्लोप बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, तो ए पे स्पीड ज्यादा कि बी पे स्पीड ज्यादा, चलो बताओ। हाँ खत्म, वाह 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 वाह, कमाल कर दिए तुम लोग। तो ए पर क्या बताओ, पार्टिकल मोशन में है, यहाँ पे वेलोसिटी सब में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, ओके यहाँ पर आप बताओ ए पर, मैं लिख रहा हूँ एट ए एंड बी, ओके वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऐसे ना उतना लिखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कौन क्वांटिटी बाबू, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा पॉजिटिव है, बट बी ए बी बी के बराबर नहीं है, कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है, बी बी बड़ा है, क्यों 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 बताओ क्यों बड़ा है, हाँ यहाँ पर चूंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं हम लोग कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करते हैं, स्पीड को कंपैरिजन करते हैं, याद आना बात को, ठीक है, तो स्पीड किसकी ज्यादा, किस पॉइंट पर स्पीड ज्यादा है उस पार्टिकल के, पार्टिकल एक ही है लेकिन पॉइंट बी पर उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि स्लोप ज्यादा है, क्या कंपैरिजन समझ आ रहा है, तो पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है रेस्ट से, चलना स्टार्ट किया क्योंकि जब टी इक्वल टू 0 तो उस टाइम पार्टिकल की स्पीड क्या है, 0 है, सर पार्टिकल स्पीड 0 किसको देकर बता दिया, x इक्वल टू 0 देकर के कि वेलोसिटी देकर के, माने पोजीशन टाइम ग्राफ में कभी भी आपको देखना हो कि कहां पे पार्टिकल रेस्ट में, तो पहले क्या करो कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, अगर स्लोप 0 है तब जाके वेलोसिटी 0 होगा, तब जाके कहोगे पार्टिकल रेस्ट में, अगर 0 नहीं है कहीं पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, माने पार्टिकल मोशन में है, क्या समझ आ रहा है, नहीं क्लियर हुआ, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ के अंदर बहुत सारी बात छिपी हुई है, बता रहा मैंने कि ग्राफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्लियर हो गया पहली बात, दूसरी बात कि जैसे जैसे ग्राफ पर ऊपर जा रहे हो पार्टिकल की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ पर एकदम ग्राफ ऐसे साफ हो गया, उसकी स्पीड जो है इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब स्लोप जो है इन्फिनिटी, ग्राफ तो ग्राफ जैसा ग्राफ का मिजाज है, ग्राफ का जो मिजाज है, ग्राफ ऐसे नजर आ रहा है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एकदम 90 पर हो जाएगा ना, तो इन्फिनाइट स्लोप हो गया, इन्फिनाइट स्पीड, क्लियर हो गया, मैंने इन्फिनाइट स्पीड कहने का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, तो स्पीड लगातार क्या हो रहा है, अब तुम लोग बताओ स्पीड लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन की नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है कि 0 नहीं है, बस इतना जवाब दो, इससे पहले ही बताओ ये मोशन है कि नहीं है, पहले बताओ पार्टिकल मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले ही बताओ, खत्म करो बात को, इससे आगे बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब स्पीड चेंज ना हो यानी वेलोसिटी सेम रहे तब यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, ओके यानी कि सेम सेम रह जाएगा, या स्पीड 10 है या स्पीड 10 है या स्पीड 10 है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ग्राफ बनाता हूं, सुनो पर्सन, ये ग्राफ सुनो सुनो, ये एक्स है ये टी है, अब सब बच्चा सुनना सुनो सुनो, देखते हैं सब जवाब देता है, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, अब मैं तुमसे पूछो बताओ ये एंगल मान लो कि 60 डिग्री है, स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा, बताओ स्लोप कितना होगा, स्लोप कितना होगा 10 60 डिग्री कितना होगा, स्लोप 60, स्लोप आया √3 यानी कि स्पीड कितना होगा इसका √3, यार एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होगा भाई ना तुमको वेलोसिटी देगा, इसका वेलोसिटी कितना √3, अब बताओ इस पॉइंट पर यहाँ पर भी स्लोप √3 होगा, यहाँ पर भी स्लोप कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, माने कि स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पे एंगल सेम ही रहता है, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या रहता है, तो स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट रहता है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड √3 है तो यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे भी √3, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, इस केस में एक्सेलरेशन 0 है,
स्पीड अप नहीं हो रहा है, स्पीड डाउन नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह के पार्टिकल के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है देखो तो, यहां पे अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आ रहा है, वेलोसिटी अलग अलग आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट इस ग्राफ में क्या पता चला बताओ, क्योंकि इस ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, वेलोसिटी सेम है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है इसमें। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन बोलोगे, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी यहां तो यहां भी प्लस रूट थ्री, यहां भी प्लस रूट थ्री, यहां प्लस रूट थ्री, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलेरेशन जीरो। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए वेलोसिटी सेम होना चाहिए और उसके इसमें एक्सेलेरेशन जीरो होना चाहिए, उसी बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या भेजा में गया 1D केस में? चलो ये बताओ, बताओ इस ग्राफ को देख के बताओ क्या कहा, सब ग्राफ को हमसे बात को मैं यहां लिख रहा हूं, ग्राफ के अंदर कितनी बातें बता दी मैंने, देखा आराम आराम से बता रहा हूं कि कोई ट्रेंड ना छूटा जाए। ओके, ये ग्राफ को क्या समझ आ रहा है? देखो ये देखो, हंसी आ रहा है, हंसी आ रहा है, हंसी नहीं आ रहा, देखो पार्टिकल देखो, कुछ समझ आया? मैंने इतना जगह जो दिया फालतू में, इस जगह को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी बोल रहे हैं यानी स्पीड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, लगातार बताओ स्पीड लगातार बढ़ा है कि घट रहा है, बताओ स्पीड जब लगातार बढ़ता है तो बताओ एक्सेलेरेशन बोलोगे कि इसको रिटार्डेशन बोलोगे, स्पीड अप ना हो रहा है यानी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन क्या है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है, तब जाकर के तुम्हारा क्या होता है स्पीड अप। क्लियर हो गया? अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो उसके में क्या होता है स्पीड डाउन। क्लियर हो गया? बट ये पार्टिकल पहले बताओ, यहां यहां बताओ क्या लिखोगे, मोशन कैसा है, मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म, हाँ अब हुआ नॉन यूनिफॉर्म, क्यों पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, यही बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति से चल रहा है, अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन जीरो नहीं खे। ओके, इस ग्राफ में बताओ वेलोसिटी, चूंकि पार्टिकल की स्पीड लगातार क्या हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रहा है, जब स्पीड बढ़ रहा है यानी पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड बढ़ने का कुछ क्या किसका रहता है, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव वेलोसिटी भी पॉजिटिव तभी स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव वेलोसिटी भी नेगेटिव तभी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी दोनों का साइन अपोजिट है तब जाकर स्पीड डाउन होता है। यहां पर स्पीड तो बढ़ रहा है, दिखने से लग रहा है स्पीड बढ़ रहा है, एंगल देख रहे स्लोप से पता चल रहा है कि स्लोप एक बार एंगल तो यहां पर एंगल जीरो, यहां पर 30, यहां सा स्लोप लगातार स्पीड क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन को भी क्या होना पड़ेगा, यस ग्राफ देख करके पूछा जाता है एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हो गया। तो क्या लिखोगे यहां पर, पहली बात तो एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन है, कौन मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तुम ऑलरेडी जानते हो है ना, यूनिफॉर्म का ग्राफ उसी सिचुएशन को ग्राफ बना रहे हैं। ओके, क्या लिखोगे कि एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है सर, एंड उसके बाद एंड एक्सेलेरेशन ये तो गारंटी कि एक्सेलेरेशन क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, एज वेलोसिटी पॉजिटिव, कोई पूछेगा कि क्यों एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो उसको रीजन दोगे, ना ऐसा नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, चूंकि पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो वेलोसिटी और पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ये रीजन है। क्लियर हो गया? अभी ग्राफ देंगे, उल्टा भी देंगे, घटने वाला भी देंगे, बढ़ने वाला भी देंगे, ग्राफ देख कर तुम बताओगे कि एक्सेलेरेशन, बताओ कितना ज्यादा जानकारी दे दिया मैंने तुमको, अगर एक ही बार देते हैं उछल देते हैं ऐसे करके तो तुम तो दब जाते हैं ना, तो तुम गाना गाते आज मैं ऊपर, ऐसा नहीं गाते तुम, बोलते आज मैं नीचे सारा ग्राफ ऊपर दब जाते हैं। देखो यार क्या समझ आ गया अच्छा से, अब बताओ क्या क्या ग्राफ मिला है, बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला सर, पोजीशन टाइम ग्राफ से ग्राफ को देखकर बेसिक जानकारी की पार्टिकल मोशन में कि रेस्ट में पता चल जाएगा, ठीक है, अगर पास टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो यानी पार्टिकल मोशन में, तो ये ग्राफ को देखकर लग रहा है वो पार्टिकल मोशन में है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ का सबसे जबरदस्त जो बात जानकारी मिली कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो आप स्लोप खींचोगे, स्लोप लोगे टेंजेंट का स्लोप, चाहे कॉर्ड का स्लोप लो या टेंजेंट का स्लोप लो, वो हम आपको हमेशा वेलोसिटी देगा, हाँ कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देगा और टेंजेंट का स्लोप आपको हमेशा, हमको तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट हमेशा एक लाइन हुआ, स्लोप हमेशा लाइन का होता है, अगर ऐसे स्लोप है एंगल 90 से कम है स्लोप पॉजिटिव, अगर 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव, ऐसे है तो जीरो, ऐसे तो इन्फिनिटी, ऐसे याद रखो,
इन्फिनिटी यहाँ पर अनडिफाइन नहीं बोलना, यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं, क्लियर हो गया। उसके अलावा टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल मोशन में था कि रेस्ट में था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी हमको टी इक्वल टू जीरो पर पूछ रहा है, ओके क्या करो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, वही वेलोसिटी का स्लोप हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो टेंजेंट का स्लोप मैंने देखा जीरो आया, इसलिए वेलोसिटी जीरो है, अब वेलोसिटी जीरो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इन्हें बोला कि x इक्वल टू जीरो है इसलिए रेस्ट में, ना 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 गलत बात, कभी कभी ऐसा भी होगा x से जीरो x इक्वल टू जीरो होगा लेकिन पार्टिकल का स्पीड जीरो वहां पे नहीं होगा, दिखाऊंगा ऐसा ग्राफ लेंगे, ठीक है, तो यानी वो इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, मोस्टली था वहां पर, ठीक है, चलो उसके बाद और पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ रही है, पार्टिकल लगातार स्पीड बढ़ रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ओके यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कौन मोशन है ऊपर से, चूंकि स्पीड लगातार बढ़ रहा है, अब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जीरो तो है नहीं सर, ओके यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वो लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्लियर हो गया। अगर मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि स्पीड घट रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, अब मैं बोलूँ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना पड़ेगा, अभी ग्राफ लेंगे, और मैं बोल दूँ कि भाई स्पीड अगर बढ़ रहा है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये चीजें हैं सारी बातें जितनी भी तुमने बेसिक में, इसलिए ग्राफ लास्ट में पढ़ाया जाता है, जितना भी काइनेटिक्स पढ़े हो पूरा, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको तो मजा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अभी इसमें और ग्राफ लेंगे, अभी तो एक मैंने ग्राफ का मतलब समझाया, क्लियर, नोट करो आगे बढ़ते हैं, ओके okay?